आज हमारे साथ एसली पीएस की भी बात करूं तो मैं लाखों एसोसिएट को देखा हूं जो इस बिजनेस को ज्वाइन किए, वो आगे बढ़ना चाहते थे, उनमें मेरिट थी, काबिलियत थी, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस के बारीकियों को नहीं समझे और आज वो जहां से अपने करियर का शुरुआत किए थे, जहां से जर्नी का स्टार्ट किए थे, आज कहीं ना कहीं उसके ही अगल बगल घूम रहे हैं। लेकिन आज बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने 3 से 5 साल के अंदर लगातार रिकॉर्ड को ब्रेक करते गए हैं, अपने भी सपने को पूरे किए, अपने साथ आए एसोसिएट के सपने को भी पूरे किए। लेकिन क्या है एसली पीएस? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है एसली पीएस में सक्सेस के लिए। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एसली पीएस में इन्वेस्टमेंट छोटा होता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो 15,000-16,000 में एक एसोसिएट ज्वाइन करता है। इवन अगर 27 SP की बात किया जाए तो 3,500 से 3,700 में ज्वाइनिंग हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट यहां बहुत छोटा है। लेकिन अगर बिजनेस की बात किया जाए तो ये बिजनेस आपको अगले 10 साल के अंदर, अगले 15 साल के अंदर आपको 70 करोड़ रुपए तक लेके जा सकता है। 70 करोड़, मोर देन 70 करोड़। और 70 करोड़ की मैं बात नहीं करता हूं, आप यहां से 10 से 15 साल के अंदर आप एसली पीएस प्लेटफॉर्म पर अगर शिद्दत के साथ काम को करते हो, बताए गए तरीके से काम को करते हो, तो मैं दावा देता हूं कि आप 10 से 15 साल के अंदर एसली पीएस वो प्लेटफॉर्म है जो आपको अरबपति बना देगी। 100% दावे के साथ मैं बताता हूं, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो और बिजनेस को समझते हो। लेकिन एक बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये बिजनेस आपको 70 करोड़ रुपए का इनकम देने वाली है अगले 15 साल में। इस बिजनेस को मैं ज्वाइन किया आज से 4 साल 10 महीने पहले। आज एसली पीएस के बदौलत आज मेरे घर में 35 से 40 लाख महीने का इनकम आता है। और अगर मैं पूरे अगर फैमिली की बात करूं तो आज मैं आपको रियल बताता हूं, अगर मेरे फैमिली में एसली पीएस की बात करूं तो लगभग हम 55 से 60 लाख रुपया महीने का इनकम आता है सिर्फ एसली पीएस की वजह से। तो ऐसा कैसे हुआ ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मेरे साथ हुआ है तो प्लेटफॉर्म वो ताकत रखती है कि हर घर में 50 से 60 लाख महीने का इनकम देगा एसली पीएस। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको समझने की क्या जरूरत है कि डियर फ्रेंड्स, 70 करोड़ कमाने का बिजनेस है और इस बिजनेस को एक आम व्यक्ति ज्वाइन करता है। मैक्सिमम मैं एसली पीएस की बात करूं या डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की बात करूं तो यहां पर एक मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल अपर क्लास फैमिली अपने सपने को लेके आते हैं। 80 से 90% हमारा एक डाटा है कि 90% लोग, मिडिल क्लास लोग यहां पर आते हैं, मिडिल अपर क्लास आते हैं, लोअर क्लास भी आते हैं। 10% लोग बहुत ही एजुकेटेड पर्सन और हाई क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन ओनली फॉर 10%, 90% मिडिल एंड मिडिल अपर क्लास। तो सबसे बड़ी चीज होता क्या है बिजनेस में जो मैं आज तक देखा हूं, हमने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और भी लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन हम में और उन लोगों में क्या अंतर था जो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे बड़ी चीज है कि एक आम आदमी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं भी यहां से 70 करोड़ कमा सकता हूं या मैं एसली पीएस से 100 करोड़ कमा सकता हूं, मैं अरबपति बन सकता हूं। सबसे पहले पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एसली पीएस में ब्रांड बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि मैं भी यहां से अरबपति बनूंगा। सबसे बड़ी चीज आपको खुद के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा कि मैं भी यहां से 70 करोड़ कमाऊंगा और 70 करोड़ के बाद मैं अरबपति बनूंगा। दूसरी चीज, विश्वास करने के बाद आप, मुश्किल क्या होती है कि अगर एक आम व्यक्ति की बात किया जाए
बिजनेस आप 20 लाख महीना कमाने वाला कर रहे हैं, 30 लाख महीना आपका यहां से आ सकता है, आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। क्योंकि एसली पीएस की बात किया जाए तो यहां कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहोगे उतनी बड़ी अचीवमेंट ले सकते हो। आज मैं आपको बताना चाहता, आप जहां सोचते हो आप वहां जा सकते हो। लेकिन डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज समझना पड़ेगा कि यहां एक आम व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, एक आम प्रोफाइल इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो वो इस बिजनेस को एक आम तरीके से करता है। बिजनेस 20 लाख महीना कमाने का, बिजनेस 30 लाख महीना कमाने का, 40 लाख महीना कमाने का, लेकिन काम करने का तरीका होता है वो एक आम होता है, जहां से लोग 10,000 भी नहीं कमाते, 20,000 भी नहीं कमाते। तो आप 20,000, 50,000, लाख रुपए महीना के तरीके से आप 20 लाख महीना नहीं कमा सकते हो। सबसे पहले आपको अपने काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। दुनिया में किसी भी बड़े बिजनेस की बात किया जाए, किसी भी कमर्शियल बिजनेस की बात किया जाए, जहां पर 10 लाख 20 लाख 30 लाख महीने का इनकम आता है, आप अगर ओनर को देखिए तो कोई भी ऐसा ओनर नहीं होता है जो 12 घंटे 14 घंटे अपने बिजनेस में काम नहीं करता है। सबसे पहले वो बिजनेस की प्लानिंग करता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मुझे प्लानिंग क्या बनाना पड़ेगा, मुझे खर्च कितना करना पड़ेगा, उसका एक एक पॉइंट नोट होता है और उस पॉइंट्स के ऊपर वो काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो आपको बड़े बिजनेस की तरह आपको काम करना पड़ेगा। आज से, अभी से, अगर अभी से आप समझ गए, अभी से आप अपने आप को बदल दिए तो आपकी लाइफ यहां से बदलनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर यहां आपको सक्सेस होना है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए 12 से 14 घंटे काम करता है। अगर वो सोता है तो बिजनेस करते हुए सोता है, और जागता है तो उसके बाद उसका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा और आपको हर एसलीपीएस एसोसिएट को अपने डाउन तक जाके ये बताना पड़ेगा कि सक्सेस होना है तो आपको 12 से 14 घंटे आपको काम करनी है, 12 से 14 घंटे आप काम कीजिए। दूसरा चीज, आप पर डे अपने शेड्यूल को बनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से हमने डायरेक्ट सेलिंग में अपने करियर का शुरुआत किया था, उस दिन से मेरा पर डे का शेड्यूल होता था। अगर पर डे शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो मेरा शेड्यूल क्या होता था, जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। लोग, बहुत सारे लीडर शेड्यूल के मुताबिक काम को करते हैं, बड़े बिजनेस के तरीके से इस काम को करते हैं, और आज उनका ही लगातार बिजनेस ग्रो हो रहा है, आज उनकी ही टीम लगातार ग्रो हो रही है। तो शेड्यूल क्या बनाना है, जिसको आप समझिए, शेड्यूल की बात किया जाए तो आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अगर मैं सुबह जागता हूं, और आज के समय में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आज के समय में मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हूं जो शेड्यूल के मुताबिक काम करते हैं, और बहुत सारे एसोसिएट को मैं ऐसा भी देखा हूं जो हवा में काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बड़ा बिजनेस कभी भी हवा में नहीं होता, बड़े बिजनेस हमेशा बड़ी प्लानिंग से होती है। तो प्लानिंग बना के आप शेड्यूल बनाइए कि हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद आप एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे 6 बजे मैं सो के जगूंगा, नित्य क्रिया करूंगा, इसके बाद 1 घंटा आप अपने बॉडी को दीजिए। क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो हेल्थ दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन चुकी है, और इस काम को मैं भी करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन की भी मैं बात करूं तो मैं 30 के 30 दिन काम किया हूं, लेकिन मैं अपने काम करने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल दिया हूं। सबसे बड़ी चीज, ऐसा बोला जाता है कि अगर इंसान खुद पर काबू पा ले तो वो ऊपर वाले की भी प्राप्ति कर सकता है, गॉड से भी वो मिल सकता है। इंसान में इतनी बड़ी ताकत है, इंसान में इतनी बड़ी पावर है, लेकिन आपको अपने मन के ऊपर काबू पाना पड़ेगा, अपने शेड्यूल को पूरी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। कभी भी कॉमन व्यक्ति दुनिया का नक्शा चेंज नहीं करते, आपको महान बनने के लिए अपने कार्य को महान बनाना पड़ेगा।